CGPSC व्यापम ADO की क्लास, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ ADO मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 यानी कि हमारे यूनिट वन का टेस्ट 6 है, यानी कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास की फ्लैक्सिंग योजनाओं के 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना? 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट क्लास रहेगा, ठीक है। ग्रामीण विकास से विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनेंगे और यहाँ से आपके 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार टेस्ट दिला सकते हैं, ठीक है, जो व्यापम की तैयारी कर रहा है ADO की। सहायक विकास विस्तार अधिकारी की तैयारी करने वाले इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली क्लासेस किया जाता है, ठीक है, ADO की जो क्लासेस चल रही है डेली क्लासेस कराया जा रहा है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली क्लासेस कराया जाएगा, ओके। तो मेरा नाम है रूपेश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए जल्दी से टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास की फ्लैक्सिंग योजना है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। टेस्ट चल रहा है, जो लोग टेस्ट दिलाना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास की फ्लैक्सिंग योजना है, ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न बिल्कुल बनेंगे और 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर वीडियो आप में एक बार में याद नहीं होता दोबारा याद कर लीजिएगा, आप एक बार टेस्ट सीरीज दिला के देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, 2 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना शुरुआत की गई है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से प्रदेश में अनुसूचित एवं मांडा क्षेत्र में किस प्रकार के परिवारों को प्रति परिवार 2 रुपये किलो चना प्रति माह दिया जाता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं ADO की, उसके तौर पर खास तौर पर यह वीडियो है, ठीक है। जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन लेना ही है आपको, टेस्ट चल रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेस्ट दिलाइए, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन पहले बी क्या कहता है कि प्राथमिकता, और ऑप्शन ए क्या कहता है? अंत्योदय परिवार, ठीक है, और सी है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो प्राथमिकता दी जा रही है मांडा क्षेत्र में, ठीक है, और परिवारों को 2 रुपये किलो दिया जा रहा है तो अंत्योदय परिवार से, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना से निम्न कौन कौन से लाभान्वित हो रहे हैं? तो गोधन जो न्याय योजना है, ठीक है, हाल ही में 20 जुलाई 2020 को, ठीक है, 20 जुलाई 2020 को इसका स्टार्ट किया गया था, गोधन न्याय योजना, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा डेट को। इसके बाद देखिए, कृषक परिवार है, गौपालक है और महिलाएँ हैं, यानी कि तीनों ही गोधन न्याय योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी राशि का तक नगद के लिए रहित उपचार सुविधा प्राप्त है? तो आपका 5 लाख रुपए हो जाएगा, जो कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत इतना राशि रुपए दे रहे हैं, तो 5 लाख रुपए दिया जा रहा है, ठीक है, नोट करते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, ADO की, ठीक है। टेस्ट क्लासेस है 6, जो पांचवा क्लासेस कहता है, पांचवा क्लासेस है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कितनी राशि प्रति माह रूप में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 350। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 350 रुपये हो जाएगा, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको 350 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट क्लास करें, सर इसी को पूरा देखेंगे बोल रहे हैं, ठीक है भाई, टेस्ट करते, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ भाई, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते जाइए ना, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पात्रता श्रेणी में शामिल है? तो किसको पात्रता में शामिल किया गया है? तो देखिए, 6 से 17 वर्ष के आयु के वर्ग के निःशक्त जन बच्चे को, देखिए, जो कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत इसको शामिल किया गया है। सेकंड है, 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त जन, इसको भी शामिल किया गया है, ये भी पात्रता में है।
बौने व्यक्ति, देखिए अब बौने व्यक्ति की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में, ठीक है, जो जितने भी योजनाएं हैं वहां से प्रश्न बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल इसका आंसर डी होगा, ठीक है। जितने भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं एडीओ की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बिल्कुल बनेंगे, 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं ना ग्रामीण विकास की फ्लेक्सिंग योजना से, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सातवां प्रश्न है कि सुखद सहारा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो देखिए सुखद सहारा योजना में तो तो इसका आंसर कौन सा होगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा ना, इसका आंसर कौन सा होगा, जो कि सुखद सहारा योजना के अंतर्गत कौन शामिल है, तो परित्यक्त विधवा महिलाएं, ये तो सुखद सहारा योजना में शामिल किए गए हैं, ठीक है ना, ए और बी दोनों होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। इसके बाद कहता है कि देखिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत कौन पात्रता की श्रेणी में शामिल नहीं है, तो कौन सी है जो पात्रता की श्रेणी में शामिल नहीं है, तो देखिए यहाँ पर है मुख्यमंत्री पेंशन योजना, ठीक है, जो श्रेणी में शामिल नहीं की है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी पहला ऑप्शन है 60 वर्ष या अधिक, तो ये आंसर हो जाएगा, उसके बाद 18 वर्ष या उपरोक्त अधिक, ये भी यानी कि ए और बी दोनों होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों होगा। इसके बाद देखिए जो है मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत जो कितनी राशि प्रतिमाह दिया जाता है, तो अभी मैं आपको बताया हूँ 350 रुपये दिया जाता है मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य में इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना कब से संचालित की जा रही है, तो कब से संचालित की जा रही है, तो 1995 से संचालित किया जा रहा है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना 1995, ठीक है, 1995 से संचालित किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के संदर्भ में क्या कथन सही है, ठीक है, ये आपको बताना होगा क्या कथन सही है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, देखिए मैं आप सभी को मैं योजनाएं से संबंधित क्लासेस करा चुका हूं मैं, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे जाके लिंक में देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में पूरा क्लासेस कराई गई है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए जो क्या संदर्भ है, तो पहला ऑप्शन है वृद्धजनों को प्रति माह 350 रुपये सहायता दी जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 350 रुपये वृद्धजनों को प्रतिमाह दिया जा रहा है। सेकंड कहता है कि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रतिमाह 650 रुपये दिया जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। और ये एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है वो 40 साल से लेकर 79 है ना, वहाँ आपको कितना दिया जाएगा 350 रुपये, और 80 वर्ष से ऊपर हो जाता है उसको 650 रुपये दिया जाता है, उसको एक उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए सी कहता है कि उक्त पेंशन राशियों में 150 रुपये राज्य से दिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि उपयुक्त सही, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के लिए तीनों यानी कि तीनों ही सही होगा, जो कि कथन सत्य है, ठीक है, उपयुक्त सही होगा। इसके बाद है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि केंद्र और राज्य द्वारा दिया जाता है, देखिए ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है वो कितनी राशि दिया जाता है, केंद्र की तरफ से 150 रुपये और साथ ही राज्य, सॉरी एक मिनट ना, इसका होगा देखिए केंद्र की तरफ से कितना दिया जाता है, तो 300 रुपये केंद्र की तरफ से आपको 300 रुपये दिया जाता है, तथा राज्य की तरफ से आपको 50 रुपये दिया जाता है, ठीक है, एक मिनट ना ये गड़बड़ हो रहा है, 50 रुपया दिया जाता है, ठीक है, तो दोनों मिलाकर यानी कि 350 रुपये, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर 350 रुपये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन जो योजना है वो केंद्र की तरफ से 300 रुपये और राज्य की तरफ से 50 रुपये, यानी कि इन दोनों को मिलाकर आपको 350 रुपये दिया जाता है। अब विधवा पेंशन योजना की बात कर रहे हैं तो 40 वर्ष से अधिक और 79 यानी कि 89 साल,
40 साल से लेकर 89 साल तक आपको 350 रुपया दिया जाएगा, और साथ ही अगर आपको 80 वर्ष से ऊपर हो तो उसको 650 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, अगर 80 वर्ष से ऊपर होता है तो उसको 650 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना। निःशक्त जन पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रति माह सहायता के रूप में दी जाती है? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना है, जो कितनी राशि दिया जाता है, जल्दी कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कौन सा होगा। सभी लोगों का आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, सभी 400 नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, 400 होगा ही नहीं, कैसे होगा? देखिए यहाँ पर जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन बोला गया है ना, निःशक्त जन पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपये ही दिया जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर गलत आ रहा है, ये नहीं, ये भी नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मैं क्या बताया हूँ, अभी जो निःशक्त जन पेंशन योजना, अभी स्टार्टिंग में मैं बोला था कि विधवा पेंशन योजना के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना है ना, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये ही प्रतिमाह सहायता दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, अब देखिए विवाह प्रोत्साहन के योजना के अंतर्गत बोला गया है, तो देख सकते हैं निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंदर अधिकतम सहायता राशि कितनी है, तो अधिकतम सहायता राशि आपको 1,00,000 रुपये ही दिया जाएगा। ठीक है, निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आपको 1,00,000 रुपये ही दिया जाएगा। ठीक है, नोट करके चलिएगा, 1,00,000 रुपये मात्र आपको दिया जाएगा अधिकतम सहायता राशि। इसके बाद बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न कहता है कि आश्रमशाला योजना के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं चलाई जा रही है। तो आश्रम से देखिए अभी आपको पहली से लेकर 8वीं क्लास तक आपको कक्षाएं संचालित की गई है, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा बी। ठीक है, जो कि आश्रमशाला की योजना के अंदर पहली से लेकर 8वीं क्लास तक कक्षाएं चलाई जा रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है कि प्रश्न आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो राजीव गांधी, देखिए मैं अभी जस्ट आपको कराया था कि राजीव गांधी वाला किसान योजना करंट अफेयर की क्लासेस में मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे करंट अफेयर की क्लास तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो उद्देश्य है, किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है, सबसे पहली बात तो यह है। उसके बाद है कि दूसरी बात क्या कहते हैं कि कृषि रकबे में वृद्धि करना है, तो कृषि के जो रकबे होता है उसको वृद्धि करना है, ये भी सही, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल क्लास करेंगे क्या? ठीक है, कल क्लास करेंगे। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके रखें। ठीक है, डेली क्लास करते रहिए। थैंक